यह हमारा डोसा। ये थी आड़ी का है, तो आड़ी है तो दोस्तों अंगली में रखे मालूम है ना चीज नहीं क्या हुआ। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ मरीन फिश और गोल्ड फिश का टैंक सेटअप रिवील करने वाला हूँ और बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं फिश रूम में। इन सब को निकाल कर हम दूसरे टैंक यहाँ पर रख रहे हैं, तो वीडियो एंड तक में आपको पूरी तरह समझ में आएगी कि फिश रूम में क्या अपडेट होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्पेशली मरीन टैंक के लिए और गोल्ड फिश लवर्स के लिए वीडियो एंड तक देखना। वेलकम बैक। तो मैं आज अपडेट देने वाला हूँ मरीन टैंक का, जो सेटअप हमने बना रहा था गोल्ड फिश का टैंक का सेटअप बना रहा था उसका क्या हुआ। देखिए यहाँ पर मैंने ये स्टैंड रेडी हो चुका है, इसको हमने पॉलिश वगैरह करके अलग रख दिया है दोनों को अलग अलग। मैं सोच रहा हूँ एक के ऊपर मरीन टैंक बनाऊँ 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट का क्यूब टैंक और एक का बनाऊँ गोल्ड फिश टैंक 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट का। इसमें गोल्ड फिश का क्या होगा, इनबिल्ट सम्प आएगा, मतलब टैंक के अंदर ही किस तरह सम्प बनाते हैं बैक साइड में, वो एक वीडियो प्रैक्टिकली बना के दिखाऊंगा। और मरीन का जो है ऊपर मरीन टैंक आएगा, नीचे जो है सम्प सिस्टम आएगा, इसमें नीमो फिश और बहुत सारे एनिमल वगैरह आएंगे। तो ये टेम्प्रोरी मैंने बना के रखा है। बहुत सारे लोग लास्ट वीडियो में पूछ रहे थे कि इसका खर्चा कितना है और कितने में आपने लिया, तो मैं वो शेयर करना चाहूँगा। इसका खर्चा जो है मुझे एक स्टैंड का 4000 रुपये है, मतलब 8000 दोनों का बना है। क्यों, मैं आपको खरीब से दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इसकी जो इसने लकड़ी यूज़ किया है ये 1 इंच से ज़्यादा मोटी है। ये लकड़ी जो है बहुत अच्छी लकड़ी इसने इस्तेमाल किया है, 1 इंच से मोटी है पूरी। देखिए यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये भी कितनी मोटी है इसकी लकड़ी जो इसने इस्तेमाल किया है, जिस कारपेंटर से मैंने बनवाया। देखिए ये भी कितनी बड़ी है, 2.5 इंच की है। इतना वज़न है, ये इतना वज़न है कि एक आदमी बहुत मुश्किल से इसको कैरी करे। बहुत वज़न है इतना वज़न है, तो काफ़ी तगड़ा है। इसके ऊपर कितना भी हम वज़न रख लो, 400, 500, 1000 किलो भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे कम में भी बन सकता था, मतलब पतले से अगर यहाँ पर पट्टी डाले या कुछ, हम इसके बदले में लकड़ी निकाल के PVC का जो प्लेवुड शीट आता है, मतलब प्लेवुड जो नॉर्मल प्लेवुड आता है ना, उसको हम लगा देते, जैसा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तरह की जो प्लेवुड आती है, अगर वो हम इसमें लगा देते तो कॉस्ट कटिंग बहुत हो जाती। मतलब एक एक स्टैंड हमको 1500 में आ जाता, सिर्फ इसको इसके पैर बनाना था 1500 में आ जाते, बाकी ये शीट लगा देते तो 2000 में शायद ये पूरा बन जाता। लेकिन मैंने पूरा लकड़ी का ही बनाया है, क्योंकि मरीन टैंक के लिए ज़रूरी है लकड़ी का ही सिस्टम। मरीन का ऐसा है ना, उसका जो मिस्ट, उसका धुआं कह सकते हैं, मिस्ट आपको मुझे हिंदी में उसका उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं मिस्ट को, शायद धुआं या उसकी भाप वगैरह कुछ बोलते हैं। वो मिस्ट जो होती है ना, थोड़ा बहुत भी अगर बाजू में अगर लोहा है तो विद इन मंथ, मतलब समझे 3-4 महीने में पूरा सुकड़ कर निकल जाएगा, इतना स्ट्रांग होता है उसका पानी का मिस्ट। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप मरीन टैंक रख रहे हो तो लकड़ी का ही स्टैंड इस्तेमाल करें। बिल्कुल भी ये गलती ना करें कि आप सोच रहे हैं कि मैं एंगल बना लूँगा, एंगल के ऊपर लकड़ी डाल दूंगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसकी मिस्ट इतने इसका जो उसकी आसपास में जो भी धुआं होता है उसको खींच लेता है, इतना स्ट्रांग होता है उसका साल्टनेस, इतना स्ट्रांग होता है पानी के अंदर कि बाजू के यहाँ पर अगर हमने मरीन रखा है बाजू में है, इसको तक भी वो जंग पकड़ सकता है, जंग पकड़ते पकड़ते पीस पीस करके निकल जाएंगे, इतना स्ट्रांग वो पानी होता है। इसलिए लकड़ी का ही आप इस्तेमाल करें, ये गलती ज़रूर ना करें कि आप मरीन फिश बनाए जा रहे हो और लोहे का स्टैंड बना रहे, बहुत बिल्कुल गलत है। तो इसलिए इस तरह का स्टैंड बनाए। अभी आप बताओ कि हम लोग पहले मरीन का टैंक बनाएं या पहले गोल्ड फिश का। तो अभी ये कहां पर रखूंगा वो भी आपको दिखाऊंगा। तो इसको मैं ना यहां पर रखूंगा, इसको मैं ये सबसे पहले ये जो गप्पी टैंक है, गप्पी टैंक कंप्यूटर टेबल पर आ जाएगी। कंप्यूटर मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर कुछ काम ही नहीं है, फिश रूम में कुछ हो ही नहीं रहा। मैं सोचा एक यहाँ पर कुछ काम हो सकता है, लेकिन धूल पड़ पड़ के पूरा ख़राब हो रहा है, तो इसलिए मैं कंप्यूटर को निकाल दूंगा, कंप्यूटर निकाल के घर पे वापस रख दूंगा। गप्पी टैंक कंप्यूटर टेबल पे रखूंगा, ये टैंक इसको स्क्रैप कर दूंगा, ये निकाल दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा इसको यहाँ पर मूव कर दूंगा और यहाँ पर आएंगे मरीन टैंक गोल्ड फिश टैंक। कबूतरों को जो है हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे,
ऊपर हम ऑलरेडी जाल बना रहे हैं इसके लिए, वो केज बनाने का प्लान कर रहे हैं, अभी बना स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन एक हफ्ते के अंदर शायद हो जाएगा। तो कबूतरों को पूरा ऊपर शिफ्ट कर देंगे। कबूतरों की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत धूल जमती है, वो पैर पर मारते हैं, ये वो अपने फिंस अपने जो पर बहुत मारते हैं बाहर आने की वजह से, पानी के अंदर सब धूल बढ़ जाती है। यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ मैं सामने, सब धूल जम जाती है, ये सब कबूतरों की दिया क्या बोलते हैं कबूतरों की वजह से हो रहा है, उसके कर्म से हो रहा है कबूतरों की वजह से। तो इस तरह की धूल जम जाती है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी धूल जम रही है। फिल्टर कभी भी हमेशा ऑन रखता हूँ, फिर भी ये धूल जम जाती है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कबूतरों को कंप्लीट ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ये बज्जिस को भी ऊपर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर सिर्फ फिशेस ही रहे, फिशेस रहेंगे ताकि धूल वगैरह ना हो, इनसे सब बहुत धूल बन रही है यहाँ पर। तो ये एंजल फिश टैंक रखेंगे हम लोग यहाँ पर, इसको निकाल देंगे, फिर यहाँ पर वो जो स्टैंड है पीछे यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे दोनों, तो उसके बाद काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा आई थिंक, आप क्या कहें। तो ये सिंपल अपडेट था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे गोल्ड फिश टैंक कब बन रही है, कैसे बन रही है, मरीन टैंक का क्या अपडेट है। तो ये अपडेट था, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं कि हमारे पास भी इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है भाई कि एकदम पूरा हम छलांग मार दें और एकदम पूरा खरीद के ला के रखें। जैसे जैसे काम चलता रहता है उसी तरह से हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें लाकर अरेंज करके बनाते हैं। आप सबको पता है मैंने रूम भी किस तरह बनाया, तकरीबन 1-2 साल अपनी सेविंग करके बनाया, और ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके मैं लेके आया, क्योंकि हम भी मिडिल क्लास हैं, एकदम पूरा अफोर्ड नहीं कर सकते आप लोगों के से पूछने का। मैं सोच रहा हूँ अभी देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे सजेशन दे रहे थे कि यहाँ पर प्लेआउट की शीट लगा दो, वाइट प्लेआउट शीट या अलग अलग लगा दो। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर ब्लैक ग्लास लगा के डोर वगैरह बना दो, उसके लिए बहुत खर्चा होगा, बहुत सरदर्द भी होगा, टाइम भी लगेगा। मैं सोच रहा हूँ इमीडिएटली इसी जैसा स्टैंड एज इट इज़ है इसके ऊपर ही गोल्ड फिश बना दूँ, एज इट इज़ इसके ऊपर ही मरीन टैंक बना दूँ, नीचे सम रख दूँ, इसके ऊपर थोड़ा बहुत ऐसा ही रख के देखते हैं कैसा लगता है। तो आप बताओ का क्या सजेशन है आपके पास इसके लिए, किस तरह हम इसको कर सकते हैं। इस एज इट इज़ ही मैंने इसको पॉलिश किया, 2 बार पॉलिश किया जिसकी वजह से काफ़ी लुक लग रहा है। इसी के ऊपर ही हम काम शुरू करें या उसको कवर करके थोड़ा बहुत काम शुरू करें, आप बताओ आपकी राय के हिसाब से हम काम करेंगे। और इसके लिए मैं ग्लास इस्तेमाल करने वाला हूँ 8mm का, दूसरा ग्लास इस्तेमाल नहीं करूँगा, 8mm का नॉर्मल ग्लास इस्तेमाल करूँगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास का टैंक ट्राई करो, बहुत कॉस्टली होता है, और सामने का सिर्फ ग्लास ही हम एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सिर्फ सामने की पीस जो है एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास डालो, लेकिन उसका भी 500 रुपये पर फीट लग रहा है, मतलब 2-2 हज़ार रुपये सिर्फ एक पीस पड़ेगी, सामने की पीस 2000 पड़ेगी, इधर की सामने की पीस 2000-4000 पड़ेगी, उसी 4000 में मैं ये दोनों टैंक बना दूंगा। तो पैसे का भी सोचना पड़ता है क्योंकि मिडिल क्लास होने की वजह से ये एक हमारे ऊपर एक अजाब है, कोई भी चीज़ नहीं कर सकते जैसा हमारे दिमाग में आ रहा है, तो सोच समझ के फूक फूक के ख़त्म रखना पड़ता है। तो ये आज का सिंपल अपडेट था हमारे फिश रूम का। तो आप बताओ हमारे सजेशंस कि हम और आगे जाकर इसको क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और कितना एक्साइटमेंट हो आप गोल्ड फिश टैंक के लिए, मरीन फिश टैंक के लिए, और पहले आप कौन सी टैंक देना चाहते हो, मरीन फिश या गोल्ड फिश, पहले किस पे काम शुरू करें ज़रूर बताना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।